जाता है। हिंदी सीखने के लिए 50 लोग आते हैं और बड़ी खुशी से और बड़ी दिलचस्पी से हिंदी सीखते हैं। खासतौर से यहाँ आने वाले लोग तरह तरह के पेशे के लोग हैं और उम्र में भी तरह तरह के लोग हैं। छोटे बच्चों से बड़े उम्र के बुजुर्ग लोगों तक यहाँ आते हैं। हम हफ्ते में 2 यहाँ मिलते हैं और 2 घंटे से 4 घंटे का प्रोग्राम है। हम उनको थोड़ा सा ग्रामर भी देते हैं और फिर बोलचाल के प्रैक्टिस कराते हैं और हमारे यहाँ कंप्यूटर के जरिए हम डायलॉग सीखते हैं तरह तरह के, और ये लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। उज्बेकिस्तान में नौजवानों के दरमियान योग काफी मकबूल हो रहा है, खास तौर से आलमी यौमे योगा के बाद उसने घर घर अपनी जगह बना ली है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सकाफती मरकज लोगों को मुफ्त योग सिखाने में मसरूफ है। जो 21 जून के बाद यहाँ पर जो हमने 1 से पहले एक योगा वीक करके यहाँ पर मनाया था, तो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल सेंटर हैं, वहाँ हर जगह पर जाकर हमने 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था और जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर योग करने के लिए 21 जून को भी आए और उनको बताया गया कि लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिदिन योग की क्लास होती है और जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो उसके बाद यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। उज्बेकिस्तान में योग और कथक काफी मकबूल है। उज्बेकिस्तान में वाकई लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सकाफती मरकज योग, कथक और भारत की दूसरी सकाफतों को अहमियत दे रहा है। इन सारे मामलों पर बात की हमारे नुमाइंदे सिद्धांत सिब्बल ने मरकज की डायरेक्टर डॉक्टर मंजू सिंह से। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक बड़ा कल्चरल कनेक्ट है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। मेरे साथ उनकी डायरेक्टर है डॉक्टर मंजू सिंह। मैम, पहला सवाल, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग योगा क्लासेस, कथक क्लासेस, तबला क्लासेस और हिंदी भाषा की कक्षाएं नियमित हर रोज विद्यार्थियों को देते हैं, जिसमें मोस्टली उज़्बेक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैम, भारत उज़्बेकिस्तान में राज कपूर के थ्रू याद किया जाता है, वो फेमस गाना है एक, मेरा जूता है जापानी। अब क्या कल्चरल कनेक्ट है? वो तो याद रहता ही है यहाँ के लोगों को, पर और सारा क्या नया कल्चरल कनेक्ट आया है, नए गाने क्या यहाँ के लोगों के जहन में है? अब राज कपूर जी का गाना तो अभी भी बहुत मशहूर है यहाँ पे। आप किसी भी गली में जाएंगे आपको 2 सुनने को मिलेंगी। एक तो वो भारतीय लोगों को देखते सबसे पहले नमस्ते से आपका स्वागत करेंगे, चाहे कोई छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, वो आपको नमस्ते से ग्रीट करेगा। उसके बाद आजकल मेरा जूता है जापानी के साथ साथ तुम ही सॉन्ग आशिकी 2 का बहुत फेमस है उज़्बेकिस्तान में। मैम, जो आपका इंस्टीट्यूट है उसने योगा डे को कैसे सेलिब्रेट करा था, जो इंटरनेशनल योगा डे अभी थोड़े दिन पहले आया था, और आपको क्या लगता है उस दिन के बाद से क्या बढ़ोतरी हुई है योग में लोगों की इंटरेस्ट की, रुचि की? हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे से पहले योगा वीक सेलिब्रेट किया था, जिसमें हम लोगों ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जाके लोगों को वर्कशॉप्स, योगा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए थे और लोगों को अवगत कराया था योगा क्या है, कैसे है। और हम लोगों ने बुनियाद कौर स्टेडियम, यहाँ का बहुत ही मशहूर है फुटबॉल स्टेडियम, वहाँ पे हम लोगों ने मेन इवेंट किया था, तो उसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उज़्बेक साइड से। रमदान के चलते हुए और बहुत गर्मी है आजकल उज़्बेकिस्तान में, फिर भी 800 के करीब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, वो बहुत ही सराहनीय बात है। तो काफ़ी कल्चरल कनेक्ट है भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है, ये जो दौरा है उज़्बेकिस्तान में, कहीं ना कहीं इस कल्चरल कनेक्ट को और स्ट्रेंथन करेगा और फोकस्ड करेगा, ना केवल कल्चरल कनेक्ट में बट इकोनॉमिक टाइज और पॉलिटिकल टाइज में। क्या नाम है सुरेंद्र के साथ सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज़, ताशकंद उज़्बेकिस्तान।